नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर पहुंचे सिरसा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में अनुबंधित टीचर द्वारा किए जा रहे धरने में शामिल होकर के दिया समर्थन। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर के दिया जा रहा धरना। अशोक तंवर का बयान, अनुबंधित टीचर की मांग जायज है। बदलाव के बावजूद कांग्रेस में गुटबाजी भी जारी। हुड्डा व शैलजा की आज फतेहाबाद कार्यक्रम पर बोले अशोक तंवर की मीडिया के माध्यम से मिली है जानकारी, मुझे निमंत्रण नहीं मिला। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। कांग्रेस में बदलाव चाहने वाले अब अग्नि परीक्षा देंगे। सिरसा में कांग्रेस को किया था मैंने मजबूत, आगामी चुनाव में मिलेगी सफलता। वहीं अशोक तंवर के विधानसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार। उन्होंने कहा नए व जिता उम्मीदवार को टिकट देने की वकालत। लोकसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को नहीं मिलनी चाहिए कांग्रेस की टिकट। कांग्रेस को टिकट पर कब्जा करने वाली प्रथा करनी होगी खत्म। हुड्डा शैलजा की चुनाव में मदद करने के सवाल पर अशोक तंवर ने तंज कसा, कहा जितनी मदद मुझे मिली है उतनी ही मदद करूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी अगर ड्यूटी लगाएगी तो मैं अपने तरीके से करूंगा सभी 90 हलकों में चुनाव प्रचार। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली में तोड़े गए रविदास मंदिर की पुनर्निर्माण करवाने की भी मांग उठाएंगे। पल-पल सिरसा से अमर सिंह जाड़ी की विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर के पूछे गए एक सवाल के जवाब में तंवर ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा व शैलजा की फतेहाबाद में आयोजित कार्यक्रम में उनका कोई भी न्योता नहीं मिला, केवल मीडिया के माध्यम से उन्हें कार्यक्रम में जानकारी मिली है। प्रदेश में शैलजा व हुड्डा के सहयोग करने की बात पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिस तरह से सहयोग प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मुझे मिला था हुड्डा की तरफ से, वैसे ही मैं उनका सहयोग करूँगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं रखते। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में हार का मुंह देखने वाले प्रत्याशियों को टिकट नहीं देने का फैसला करना चाहिए और नए और जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दे करके चुनाव मैदान में आने देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो कांग्रेस की टिकट पर पिछले कई चुनाव से लगातार हार का मुंह देख रहे हैं, उन्हें भी इस बार चुनाव में टिकट नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पीढ़ी दर पीढ़ी को टिकट देने का कब्जा खत्म कर देना चाहिए, यानी वो पूरी तरह से प्रथा समाप्त कर देनी चाहिए। आप देखें पल पल की विशेष। संबंधित अध्यापक हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के, वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं और मुद्दा है समान काम समान वेतन। तो और दूसरी यूनिवर्सिटीज में सभी में वहाँ भी पहले संघर्ष होता रहा, लेकिन धीरे धीरे करके वहाँ मांग जो है मान ली गई। तो मैं यहाँ के वाइस चांसलर साहब से भी और प्रदेश के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से अनुरोध करूँगा कि जब सबकी मांग मान ली गई है तो इन साथियों की भी मांग जो है वो मान ले और इनको समान काम समान वेतन दे और उसके साथ साथ इनको पक्का भी करें, क्योंकि वैकेंसी है इसीलिए ये यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो ये हमारी मांग है और हमें पूरा यकीन है कि आचार संहिता लागू होने से पहले इनकी मांगों को गंभीरता से सुना जाएगा, अन्यथा ये भी संघर्ष रहता और हम इनके साथ हैं। कांग्रेस तो पूरी तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, हमारे ये सारे नेता भी तैयार हैं, लोकल जितने भी हैं सब पूरी मजबूती से तैयारी में है और भाजपा को निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि प्रदेश से बाहर करने का काम सब लोग मिल करके करेंगे। देखिए, जो लोग ये मानते थे कि हरियाणा कांग्रेस में बदलाव से ही प्रदेश में बदलाव होगा, अब उनकी बड़ी अग्नि परीक्षा है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि उनको कामयाबी मिले। लेकिन मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ कि जोर थोड़ा सा सड़कों के ऊपर लगाते, संगठन को मजबूत करने में लगाते, कार्यकर्ताओं की सुनते, सही फैसले लेते तो लोकसभा में ही उसके नतीजे आते। बाकी अभी देखेंगे। और जहाँ तक फतेहाबाद का मामला है तो मैं भी आप जैसे साथियों से ही सुन रहा हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं कि फतेहाबाद में क्या है। कोई न्योता नहीं है हमारे पास और जो हमारे साथी हैं उनके पास भी कोई न्योता नहीं है। साहब, एकजुट करने की बात की जा रही थी तो इसका मतलब फिर एकजुट नहीं हो रही जब आपको न्योता नहीं दिया गया? आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, देश के बड़े नेता हैं, आपको न्योता नहीं दिया गया? लगातार संघर्ष, पता नहीं का सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का और हम अपना काम करने में लगे हुए हैं और जो सिरसा पार्लियामेंट है उसमें सब लोगों ने बड़ी मेहनत करी है। लोकसभा चुनाव के बाद
जिस तरीके के हालात बने हैं, इनेलो जेजेपी खत्म हो गई है, दूसरी पार्टियों का अस्तित्व नहीं बचा, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हमारे साथियों को आने वाले चुनाव में यहाँ से बड़ी सफलता मिलेगी और हालात को हम फिर बदलेंगे। कि चुनाव लड़ेंगे आप? मैंने तो पहले ही कहा है कि भाई जो चुनाव लड़ने की जो भूख है ना, उसको शांत कर लें। जो और साथी हैं जो बार बार लड़ते रहे हैं, उनको दूसरे नए साथियों को मौका देना चाहिए। जो लोकसभा लड़े उनको तो बिल्कुल ही नहीं लड़ना चाहिए, और जो कई कई बार भी लड़ लिए हैं उनको भी पीछे, क्योंकि ये कोई यहाँ खानदानी कोई पट्टा तो लिखवा के नहीं आए हैं सब लोग कि मैं लड़ूंगा फिर मेरा बेटा लड़ेगा फिर बेटे का बेटा लड़ेगा और फिर भाई हम जो है गिरदावरी लिखवा लेंगे और फिर जो है हम पूरा प्रदेश पे कब्जा कर लेंगे। ये कब्जा वाली जो प्रथा है ना, ये छोड़ देनी चाहिए, नए लोगों को देना चाहिए मौका। आपके दल के ही जो नेता हैं वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और अब भावी मुख्यमंत्री भी उनके समर्थक कहते हैं, तो क्या उन लोगों को भी ये बात आप कह रहे हैं? नहीं, मैं तो सभी को कह रहा हूँ कि जोर लगाओ पहले सीट जिताने में, अच्छे कैंडिडेट को चूज करो, जिन्होंने 5 साल संघर्ष किया उनके बारे में सोचो। ये नहीं कि भाई वहाँ फलाना बदल गया तो अब जो है नए आइटम लेके आ जाएंगे मार्केट में, ऐसे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा अच्छे संघर्षशील, जिन लोगों ने विधानसभाएं घेराव करी है, जिन्होंने किसान मजदूर के लिए संघर्ष किया है, 36 बिरादरी का भाईचारा है, जब भी उसको खतरा हुआ लोग सड़कों के ऊपर निकले हैं, यानी कि जिससे लोग नफरत करते हों। तो सारा मामला लोगों को मैं समझता हूँ कि समझना पड़ेगा, संघर्ष करने वाले मेहनत करने वाले ईमानदार लोग उनको पार्टियों को आगे रखना पड़ेगा, तभी जा करके पार्टी का भला होगा। डॉक्टर साहब, हुड्डा और शैलजा की जोड़ी आपको सपोर्ट नहीं करी, क्या चुनाव के नज़दीक या चुनाव के नज़दीक आप उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, मैंने तो ये पहले ही कहा है कि जिसने मुझे जितना सपोर्ट किया है उतना ही सपोर्ट करूँगा, बाकी आप खुद जानते हो सारे लोग। कांग्रेस का प्रचार आप कैसे करोगे अपनी लेवल पे? ना, हमारी तो पार्टी ड्यूटी लगाएगी तो 90 की 90 सीटों के ऊपर जाएंगे, लेकिन अपने तरीके से जाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। ठीक है, तरीके के फैसले इनके हुए। आज हमारा संत शिरोमणि रविदास जी का जो मंदिर दिल्ली के तुगलकाबाद में तोड़ा गया, उसको लेकर के भी अभी प्रोग्राम है, वो रिट पिटीशन हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मंदिर तोड़ने का आदेश उन्होंने नहीं दिया था, तो जो भी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा, और जल्दी मंदिर का पुनर्निर्माण होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके के जब फैसले होते हैं तो उससे पूरे बड़ी आबादी की भावनाएं आहत होती हैं। इसमें भी 35-40 करोड़ लोगों के ऊपर सीधा ये प्रहार था, क्योंकि संत महात्मा वो तो पूरे मानवता के लिए होते हैं, इंसानियत की लड़ाई लड़ी होती है, उन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया होता है, तो बाकी लड़ाई जारी रहेगी। और